Start the match with the heavy goal leader, Sandeep Bhuir, of the bowling mark. पहली गेंद साहिब बाहर करना चाह रहे थे और कामयाबी, कदम चुनते ही गेंद जाती है डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ चार रन। कहीं इतना ही कसी अगली गेंद लेकर तैयार थे एक बार संदीप। इस बार साहिल मिस टाइमिंग शो कर जरूर इन्होंने किया है। गेंद जाती हुई मिड विकेट के क्षेत्र में अच्छा रन, बैक टू बैक दो गेंदों पर दो चौके इस वक्त जल्दी है बल्लेबाज साहिल। रंजीत स्पोर्ट्स की टीम इस वक्त परफॉर्मेंस करती हुई इस ग्राउंड पर नजर आ रही है। आने वाली 7 तारीख से इनका भी एक बड़ा टूर्नामेंट जरूर देखने मिलेगा। तो बिल्कुल साहिल हैट्रिक पर है चौकों की। अब देखने वाली बात यह है कि चौकों की हैट्रिक मुकम्मल करने में सक्षम और कामयाब हो पाते हैं या नहीं। इस बार शॉकी गेंद की चतुराई भरी गेंदबाजी, अनुभव की कोई कमी नहीं संदीप भुईर के पास। उन्होंने देखा कि दो गेंदों पे दो चौके जरूर साहिल ने जड़ दिए हैं। इस वक्त उन्होंने शॉकी गेंद की और उसका फायदा जरूर उनको मिलता हुआ गेंद रही डॉग के रूप में। चौकों की हैट्रिक से इस वक्त चूके हैं जरूर साहिल। अगली गेंद लेकर तैयार फिर से एक बार संदीप। इस बार शॉकी गेंद थी, खाली क्षेत्र में खेला गया स्ट्रोक, गेंद जाती हुई डीप बैकवर्ड कर लेग बाउंड्री की तरफ, एक और आता हुआ खूबसूरत शॉट। स्कोर जा पहुंचा है 12 रनों पर। स्कोर बोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 12 रन। अच्छी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी, जिस तरीके से टॉस जीता था राज ने और उन्होंने कहा था कि पहले गेंदबाजी करेंगे आज, लेकिन बल्लेबाज यहां पर गेंदबाज पर अटैक करते हुए नजर आ रहे हैं। संदीप भुईर की अगली गेंद साहिल से फिर से एक बार सामना करने के लिए तैयार। इस बार कारपेट के सारे खेला गया स्ट्रोक, शॉट मिड ऑन पर मयूर तैनात थे, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, गेंद रही टॉप के रूप में। अच्छा कमबैक करने की कोशिश इस वक्त संदीप भुईर की जारी है। 4 ओवरों का ये मुकाबला इस वक्त आप देख रहे हैं। राजू भाई स्पोर्ट्स प्रेजेंटर राजू भाई चषक 2019। इस बार देखिए फ्रंट पर निकले थे, डांसिंग काउंटर स्ट्रोक करना चाह रहे थे, कदमों का अच्छा इस्तेमाल किया था लेकिन बैट का फेस उन्होंने नहीं खोला। गेंद रही डॉट के रूप में, ओवर की हुई है समाप्ति और पहली ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पर स्कोर इस वक्त थमा हुआ रुका हुआ 12 रनों पर। पहली गोल की समाप्ति, स्कोर दर्शाता हुआ इस वक्त 14 रन। गेंदबाजी की जिम्मेदारी जवाबदारी मेरे ख्याल से यहां पर मोनीष अपने कांधों पर लेते हुए सामना करने के लिए तैयार है। चेतन की अगर बात करें तो परफेक्ट ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हैं अपनी टीम रंजीत स्पोर्ट्स कासरगोड़ की ओर से। इस वक्त देखना है ये कि इनकी बल्लेबाजी किस प्रकार की होती है, क्योंकि ये खिलाड़ी काफी अच्छे फॉर्म में है। अच्छी गेंदबाजी अच्छी बल्लेबाजी का प्रदर्शन इनके माध्यम से जरूर देखने मिलता है। अब देखना यह है कि गेंदबाजी का जिम्मा संभाला है मोनीश ने, मोनीश के कांधों पर भार है दूसरे ओवर का सामना करने के लिए तैयार होते हुए इस वक्त चेतन। चेतन फेस करेंगे पहली बार मोनीश को किसी भी चीज के लिए।
इस बार फॉलो थ्रो में गेंद को स्टॉप करने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन यहां पर मिड ऑफ के जो खिलाड़ी थे जब तक कराकर गेंद को फील करते, यहां पर एक रन दौड़कर पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। इस एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 13 रनों पर। मोनीश फिर से एक बार सच्चे होते हुए अपने बॉलिंग मार्क पर। इस वक्त सामना करेंगे जो अच्छे खासे फॉर्म में है, 3 गेंदों पे 3 चौके जड़ चुके हैं, साहिल। इसी बीच ये गेंद, साहिल बड़ा हिट लगाने की चाहत, लेकिन बैट और बॉल की बिल्कुल मुलाकात नहीं, गेंद रही डॉट के रूप में, यानी बिल्कुल यही कहा जा सकता है ब्लाइंड स्ट्रोक यहाँ देखने मिलता है। डॉट डिलीवरी के साथ पहली गेंद जरूर साहिल को करते हुए नजर आए मोनीश। इसी बीच उनकी अगली गेंद, इस बार मौका बना था, अपने आप को झोंक दिया था यहाँ पर शॉट मिड ऑफ के खिलाड़ी ने, लेकिन कैच हाथों में नहीं समाई, नहीं तो फिर विकेट का पतन हो सकता था। अच्छे की अच्छी कोशिश जरूर देखने मिलती हुई। चेतन इस वक्त गेंद को मारते और भागते हुए, लेकिन अंपायर पे कोई खासा असर नहीं, गेंद रही टॉप के रूप में। इस डॉट डिलीवरी के साथ अच्छा कमबैक यहां पर करते हुए गेंदबाज मोनीश। अभी गेंद लेकर तैयार फिर से एक बार, इस बार कदमों का अच्छा इस्तेमाल किया था, फ्रंट पर निकले थे, स्टेट ड्राइव किया, 2 रन की यहां पर जरूर चाहत है। और देखिए थ्रो की अगर बात करें तो काफी खराब थ्रो रहा, मोनीश गेंद को कलेक्ट नहीं कर पाए और उसका फायदा बल्लेबाजों ने जरूर उठाया। 1 रन की जगह 2 रन यहां पर कंप्लीट किए गए और इस 2 रन के साथ स्कोर 16 रनों पर दर्शाता हुआ, स्कोर 16 रनों पर नजर आता हुआ। दूसरा ओवर प्रगति पथ पर है। पहले ओवर की अगर बात करें तो संदीप धोई ने खर्च किए थे 12 रन, मोनीश आयश दूसरा ओवर लेकर। इस बार ही अच्छा स्ट्रोक कारपेट के सारे खेला गया, स्ट्रोक गेंद जाती हुई डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ 4 रनों के लिए। अच्छा स्ट्रोक देखने जरूर मिलता हुआ। इस वक्त 4 रन के साथ रनों की जो रन संख्या है उसमें बढ़ोतरी, स्कोर जा पहुंचा है 20 रनों पर। 2 ओवर 20 रन बिना कोई विकेट गवाए पहले बल्लेबाजी करती हुई रंजीत स्पोर्ट्स कासर वडोली की टीम का। तो बिल्कुल 7 तारीख से थाना क्षेत्र में थाना का वर्ल्ड कप जिसे कहा जाता है वो ऑन होने जा रहा है। रंजीत स्पोर्ट्स के मार्गदर्शन में रंजीत स्पोर्ट्स टीम इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करती है और वो टूर्नामेंट आपको 7 जनवरी 2020 में जरूर देखने मिलेगा। साथ ही साथ नरेश स्पोर्ट्स की अगर बात करें तो इसी ग्राउंड पर उनकी नाइट की प्रतियोगिता फरवरी के एंड में आपको जरूर देखने मिलेगी। एक बड़ा आयोजन और नियोजन इस क्षेत्र का नाइट वर्ल्ड कप जिसे कहा जाता है वो आपको जरूर देखने मिलेगा। तो बिल्कुल दोस्तों आप देख रहे हैं इस वक्त राजू भाई स्पोर्ट्स प्रेजेंट राजू भाई चषक 2020 जारी है। नए साल में पहला टूर्नामेंट, नए साल के आगाज में क्रिकेट की पहली मेजबानी वो है राजू भाई चषक 2020 के माध्यम से। गेंदबाजी का जिम्मा संभाला है गेंदबाज दिपेश ने, अपनी ओवर लेकर आए हैं दिपेश, चूंकि तीसरा ओवर अपने कांधों पर जिम्मेदारी लेकर। बड़ा हिट लगाने की चाहत, गेंद रेंज में नहीं आई, गेंद रही इस वक्त डॉट के रूप में। इस शॉट डिलीवरी के साथ आगाज शुरू किया है दिवेश ने। दिवेश की अगर बात करें तो बिल्कुल ऑलराउंडर खिलाड़ी माने जाते हैं नरेश स्पोर्ट्स की टीम। इस बार बड़ा हिट लगाने की चाहत, इस टाइम सो गेंद काफी समय लगते हवा में और यहां पर अक्षय के नीचे दूसरा कैच रिकवर कर पाता।
बड़ा झटका इस सबको जरूर लगा है। नए बल्लेबाज विकेटों के बीच में जरूर प्रवेश करेंगे। इस क्षेत्र के स्टार जिन्हें कहा जाता है अय्यूब शेख, एक बड़ा नाम, एक बड़ा सितारा इस वक्त विकेटों के बीच में प्रवेश करता हुआ। बिल्कुल इस वक्त आए हैं बल्लेबाजी की कमान पर अय्यूब शेख। कल के दिन की अगर बात करें, कल नाइट में एक बेहतरीन टूर्नामेंट जरूर देखने मिला, उसमें ही ओपन टीम से इन्होंने परफॉर्मेंस किया, लेकिन इनकी टीम फाइनल में मेरे ख्याल से हारती हुई नजर आई थी। दिवेश एक सफलता के साथ फिर से एक बार बॉलिंग मार्क पर, इस बार ये तेज तर्रार गेंद थी, गेंद रही टॉप के रूप में। इसी तरीके की डॉट डिलीवरी अगर चलती रही तो फिर रंजीत स्पोर्ट्स कास्टर गोड़ोली की जो टीम है इनका जो स्कोर होगा वो काफी कम नजर आएगा, क्योंकि इस ग्राउंड की अगर बात करें तो फाइटिंग स्कोर के लिए लगभग 40 से 45 रन होना जरूरी। स्कोर 20 रनों पर थमा हुआ, इस बार कदमों का अच्छा इस्तेमाल किया, स्ट्रोक को अंजाम दिया, गेंद जाती हुई अच्छा कवर बाउंड्री की तरफ 4 रनों की। इस 4 रन के साथ जो एक अशुभ आंकड़ा माना जा रहा था रंजीत स्पोर्ट्स कासर गोरोली की टीम के लिए वो था 20 का आंकड़ा, उसे लांगती हुई छलांग लगाती हुई टीम जा पहुंची है 24 रनों पर। स्कोर जा पहुंचा है इस वक्त 24 रन, टारगेट कितने रनों का सेट करेगी रंजीत स्पोर्ट्स कासर गोरोली की टीम ये देखने वाली बात जरूरी, क्योंकि दो ओवरों में अच्छी खासी लूट इन्होंने मचाई थी। 20 रन लूट लिए थे 10 रन प्रति ओवर के अनुसार इसी बीच अगली गेंद में। इस बार कारपेट के सारे खेला गया, स्ट्रोक गेंद आती हुई टॉप कॉर्नर के क्षेत्र में, जब तक कि गेंद को फील्ड किया जाता एक रन चहल कदमी करते हुए पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। इस एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 25 रनों पर। आखिरी गेंद लेकर सच्चे होते हुए अपने ओवर की दिवेश सामना करने के लिए तैयार स्टार ऑफ कासर वड़ौली अय्यूब शेख। फुल टॉस गेंद थी, प्रहार किया गेंदबाज पे बड़ा वाला अत्याचार किया, गेंद को डीप टॉप कॉर्नर बाउंड्री के बाहर किया, 6 रनों के लिए फरार किया। वाला हिट है, क्या बात है, लाजवाब स्ट्रोक, शानदार स्ट्रोक, जानदार स्ट्रोक, और इस 6 रन के साथ ओवर की हुई है समाप्ति। 3 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की रन संख्या है 31 रन। हेलो हाँ, अय्यूब शेख के लिए इनामी राशि आती हुई अतुल की तरफ से, 3 गेंदों में 3 अगर वो जड़ते हैं तो 1000 रुपए की इनामी राशि आते। वही ना साहिब, मागे लिवला असेल बघ। चलिए अंतिम और आखिरी ओवर आना बाकी है, हम तो बोललो पप्पाला व्हाट्सअप वर पाठवले देने दारी कौन देता है ये देखने की बात जरूरी। गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाली है साहिब ने, और बिल्कुल साहिब की अगर बात करें तो श्रीनिवास स्पोर्ट्स में कप्तानी इन्होंने संभाली थी, और आज के दिन राजू भाई स्पोर्ट्स चषक की अगर बात करें तो कप्तान थोड़े से चेंज हो गए हैं। इस बीच ये गेंद और इस बार शॉर्टेज गेंद थी, फुल पावरफुल वंडरफुल ब्यूटीफुल एंड सक्सेसफुल 6 रन के लिए मिड विकेट के ऊपर से खेला गया ये 6 रन के लिए स्ट्रोक। व्हाट अ हिट, साहिल की पहली गेंद पर ही अटैक कर यहां पर करते हुए नजर आए चेतन। रनों की रन संख्या पे अगर नजर डालें तो स्कोर जा पहुंचा है 38 रनों पर दर्शाता है। 4 गेंदें अभी भी साहिल की आना बाकी है। हरी
चार गेंदें अभी भी बची हुई हैं इस इनिंग की। स्कोर है 38 रन। अगली गेंद पर अभी फुट पर निकले, प्रहार को जरूर किया है राज की खराब फील्डिंग और यहां पर 2 रन का इजाफा जरूर होता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 40 रनों पर। 40 रन स्कोर बोर्ड पर नजर आते हुए अगली गेंद लेकर तैयार साहिल। फुल टॉस थी, करारा प्रहार, गेंद जाती है डेढ़ ग्राउंड पर 6 रनों के लिए। बैकवर्ड स्क्वायर लेग और लेग साइड के जोर से ये काफी स्ट्रॉन्ग हिट लगाते हैं बल्लेबाज अय्यूब शेख। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो हमारे बाउंड्री के पंच है जिसे कि वो तैनात रहे प्लीज। अगली गेंद सुरक्षित कीपर के दास्तानों में टॉप के रूप में। स्कोर 46 46 रन दर्शाता हुआ। 46 की अगर बात करें तो बिल्कुल ये 46 ग्रुप जो कि काफी स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, हमेशा रणजी स्पोर्ट्स पर फाइनेंस करते हैं उनके प्लेयर्स पे इनामी राशि के रूप में। इस बार तेज तर्रार गेंद जरूर यहां करने की चाहत पर अंपायर का इशारा कन्वर्ट होता हुआ लेग 22 के रूप में ओवर की हुई है समाप्ति और लगभग 4 ओवर की समाप्ति के बाद पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम रंजीत स्पोर्ट्स कासर बोलने की टीम का स्कोर दर्शाता हुआ 47 रन। टारगेट रखा गया है 48 रनों का, लक्ष्य 48 रन। ये चीज ध्यान में रखिए।